हेलो भाई, आज के इस वीडियो में हम पेटीएम का यूपीआई पिन रीसेट करना सीखेंगे। गाइस, अगर आप जानना चाहते हैं कि पेटीएम का यूपीआई पिन रीसेट कैसे करें या फिर पेटीएम का यूपीआई पिन भूल गए तो क्या करें, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो गाइस, अगर आप पेटीएम का यूपीआई पिन भूल चुके हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो गाइज, पेटीएम का यूपीआई पिन रीसेट करने के लिए सबसे पहले आपको पेटीएम का एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। पेटीएम का एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपका लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर पेटीएम का प्रोफाइल फ़ोटो है, तो यहाँ पर आपको पेटीएम के प्रोफाइल फ़ोटो में क्लिक कर देना है। पेटीएम के प्रोफाइल फ़ोटो में क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको इसे थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपका एक ऑप्शन है पेटीएम सेटिंग्स। तो गाइज, यहाँ पर आपको पेटीएम सेटिंग्स में क्लिक कर देना है। तो जैसे आप पेटीएम सेटिंग्स में क्लिक करते हैं, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपका सबसे ऊपर में एक ऑप्शन है यूपीआई एंड लिंक्ड बैंक अकाउंट। तो गाइज, यहाँ पर आपको पेटीएम का यूपीआई पिन रीसेट करने के लिए यहाँ पर आपको यूपीआई एंड लिंक्ड बैंक अकाउंट्स में क्लिक कर देना है। तो यूपीआई एंड लिंक्ड बैंक अकाउंट में क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो गाइज, यहाँ पर आपको आपका अकाउंट जो आपके पेटीएम में लिंक है वह अकाउंट यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको पेटीएम में यूपीआई पिन रीसेट करने के लिए यहाँ पर आपको चेंज यूपीआई में क्लिक कर देना है। तो जैसे आप चेंज यूपीआई में क्लिक करते हैं, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपका है लास्ट 6 डिजिट ऑफ डेबिट कार्ड, यानी कि आपके एटीएम कार्ड का जो एटीएम नंबर है, उस एटीएम नंबर में जो लास्ट 6 डिजिट है, यानी कि एटीएम में जो 16 डिजिट का नंबर होता है और उन 16 डिजिट के नंबर में जो लास्ट तरफ 6 डिजिट का जो नंबर होता है, वह नंबर यहां पर आपको इंटर कर लेना है। और उसके बाद है आपका एक्सपायरी या वैलिडिटी डेट। तो यहां पर आपको आपके एटीएम कार्ड का एक्सपायरी डेट इंटर कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लास्ट 6 डिजिट ऑफ डेबिट कार्ड, यानी कि हमारे एटीएम कार्ड का जो लास्ट 6 डिजिट है, वह यहाँ पर हम इंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम अपने एटीएम कार्ड का लास्ट 6 डिजिट इंटर कर लिए हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है एक्सपायरी या फिर वैलिडिटी डेट। तो यहाँ पर हम अपने एटीएम कार्ड का एक्सपायरी डेट इंटर कर लेते हैं। एटीएम कार्ड का एक्सपायरी डेट इंटर करने के बाद यहाँ पर आपका एक ऑप्शन है प्रोसीड का। तो यहाँ पर आपको प्रोसीड के बटन में क्लिक कर देना है। तो जैसे आप प्रोसीड के बटन में क्लिक करते हैं, ये कुछ देर तक प्रोसेसिंग लेगा और जैसे ही यहाँ पर आपका प्रोसेसिंग कंप्लीट होता है, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपका है इंटर 6 डिजिट ओटीपी, यानी कि आपके जो पेटीएम में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, उस मोबाइल नंबर में एक ओटीपी सेंड किया जाता है और वह ओटीपी यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है। लेकिन किसी किसी केस में ये ओटीपी जो है ऑटोमेटिक डिडक्ट भी कर लेता है या और यहाँ पर ओटीपी जो है ऑटोमेटिक फिल भी हो जाता है। लेकिन कभी कभार ये ओटीपी जो है ऑटोमेटिक डिडक्ट नहीं कर पाता है। इस केस में यहाँ पर आपको आपके मैसेज में ओटीपी मिलेगा, तो यहाँ पर आपको आपके मैसेज से वो ओटीपी देख लेना है और यहाँ पर आपको वो ओटीपी इंटर कर देना है। उसके बाद ओटीपी इंटर करने के बाद यहाँ पर आपका एक चेक मार्क का निशान है, तो इस चेक मार्क के निशान में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मेरा ओटीपी जो था ये ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लिया है, तो इसलिए यहाँ पर हम चेक मार्क के निशान में क्लिक कर देते हैं। जैसे आप चेक मार्क के निशान में क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपका इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपका है सेट 6 डिजिट यूपीआई पिन। तो यहाँ पर आपको 6 डिजिट का एक नया यूपीआई पिन सेट कर लेना है। तो यहाँ पर आप अपने मन से कोई भी 6 डिजिट का यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 6 डिजिट का यूपीआई पिन इंटर कर लेते हैं। 6 डिजिट यूपीआई पिन इंटर करने के बाद यहाँ पर आपका एक चेक मार्क का निशान है, तो यहाँ पर आपको चेक मार्क के निशान में क्लिक कर देना है।
तो जैसे आप चेक मार्क के निशान में क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपका दोबारा वो OTP कंफर्म करने का ऑप्शन आता है। यहाँ पर है कंफर्म 6-डिजिट UPI पिन। तो जैसे आप चेक मार्क के ऑप्शन में क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपका वो 6-डिजिट का UPI पिन कंफर्म करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर लिखा है कंफर्म 6-डिजिट UPI पिन, यानी कि अभी आपने जो UPI पिन इंटर किया था वही UPI पिन यहाँ पर आपको दोबारा इंटर करना है। तो यहाँ पर हम कंफर्म 6-डिजिट UPI पिन इंटर कर लेते हैं। कंफर्म 6-डिजिट UPI पिन इंटर करने के बाद यहाँ पर आपका नीचे एक चेक मार्क का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको चेक मार्क के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो जैसे आप चेक मार्क के ऑप्शन में क्लिक करते हैं, ये कुछ देर तक प्रोसेसिंग लेता है। जैसे यहाँ पर आपका प्रोसेसिंग कंप्लीट होता है, यहाँ पर आपका UPI पिन सक्सेसफुली रिसेट हो जाता है। तो गाइज, इस तरह से आप बहुत ही आसानी से पेटीएम में अपना UPI पिन रिसेट कर सकते हैं। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोज पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का जानकारी मिल सके।